आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ पारुल भगवानी। आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था और उनका ये फैसला उस समय सही साबित हुआ जब लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल को पहली गेंद में शमी ने पवेलियन भेज दिया। राहुल ने अपनी टीम के लिए पारी की शुरुआत की जबकि शमी ने गुजरात के लिए अपना पहला ओवर किया। मैच की पहली ही गेंद पर राहुल के बल्ले का भारी किनारा लगा और विकेट कीपर वेड ने कैच पकड़ा। अंपायर ने शमी को आउट नहीं करार दिया था लेकिन गुजरात के कप्तान हार्दिक ने रिव्यू लिया और अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा। इसी के साथ राहुल बिना खाता खोले आउट हो गए। लखनऊ ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 6 विकेट पर 158 रन बनाए थे। इसके जवाब में गुजरात की टीम ने 2 गेंद पहले 5 विकेट खोकर लक्ष्य का पीछा कर लिया। लखनऊ के लिए राहुल तेवतिया ने मैच विनिंग पारी खेली। उन्होंने 24 गेंदों में नाबाद 40 रनों की पारी खेली। लखनऊ ने एक समय 5वें ओवर में सिर्फ 29 रनों पर अपने 4 विकेट गंवा दिए थे लेकिन इसके बाद दीपक हुडा और आयुष बदोनी ने शानदार पारियां खेलकर टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। इन दोनों के अर्धशतकों की बदौलत लखनऊ ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 158 रन बनाए। 22 साल के आयुष बदोनी ने अपने पहले ही आईपीएल मैच में 41 गेंदों में 54 रनों की शानदार पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 4 चौके और 3 छक्के निकले। वहीं दीपक हुडा ने 41 गेंदों में 55 रन बनाए। उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के जड़े। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 87 रनों की साझेदारी की। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम की शुरुआत भी खराब रही। गुजरात टाइटंस को पहले ही ओवर में झटका लगा। दुश्मंता चमीरा ने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ओपनर शुभमन गिल को पवेलियन भेजा। शुभमन खाता भी नहीं खोल सके। उनका कैच दीपक हुडा ने लिया। इसके बाद कुणाल पांड्या ने उन्हें गले से लगा लिया। दूसरे ओवर में चमीरा ने विजय शंकर को क्लीन बोल्ड दिया। गुजरात टाइटंस ने 12वें ओवर में 78 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। ऐसा लग रहा था गुजरात की टीम लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगी। इसके बाद राहुल तेवतिया और डेविड मिलर ने मिलकर मैच पलट दिया। 16वें और 17वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने कुल 39 रन बटोरे और यही से मैच गुजरात के पाले में चला गया। राहुल तेवतिया और अभिनव मनोहर की शानदार पारी की बदौलत गुजरात टाइटंस ने 19.4 ओवर में 5 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। प्राइम न्यूज 24 के लिए पारुल भगवानी की रिपोर्ट।